तुमने कौन सा हिसाब शुरू कर दिया भाई तुम एंकर हो या मुंकर नगीर ओ, <laughs> मैं तो भूल ही गया था यार कि लोग <laughs> खाने के लिए पे भी करते हैं उमर साहब वैसे तो मैं हर चीज का चार्ज करता हूँ पर एक चीज है जो मैं सबको फ्री के खिला देता हूँ व्हाट इज दैट चपेड़ वालेकुम दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लीजिए मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है उमर स्लिम अनस्क्रिप्टेड के नाम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो हम शेयर करने वाले हैं ब्लूपर्स बिहाइंड द सीन्स और इनडोर आउटडोर एक्टिविटीज हमारे स्टूडियो की पॉडकास्ट की और साथ में मजे के व्लॉग्स अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलते हैं मेन वीडियो पर असला दोस्तों वेलकम टू तो पॉडकास्टिंग आज का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है आज हमने दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जिनका रंग गोरों वाला कद कालों वाला मिजाज राइयों वाला काम बटों वाला और नाम है हमजा बट्टी तो आइए इसे पॉडकास्टिंग का आगाज करते हैं सर कैसे हैं आप भाई जान शायद ये नहीं जानते कि मेरा गुस्सा जटों वाला और तालुक राणों वाला है ये कैसा इंट्रोडक्शन कराया आपने मेरा अरे <laughs> सर आप तो गुस्सा ही कर गए मेरी बस एक छोटी सी गंदी आदत है कि अब मेरे मुंह में जो होता है ना मैं बोल देता हूँ जिगर मेरी भी बहुत एक गंदी आदत है कि मेरे सामने जो पड़ा हुआ होता है मैं दूसरे बंदे के मुंह पे मार देता हूँ अभी क्या पड़ा हुआ आपके सामने मेरे सामने मौजूद है है टपाल ग्रीन टी अवेलेबल इन सिक्स डिफरेंट फ्लेवर्स और मेरा फेवरेट इलायची यार कमाल है हर जगह ब्रांड घुसा देते हैं अजीब आदमी है यार आप क्या करें सर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में आदत सी याद आया कि यार ये जो पी आपको आते हैं आपको लगता है आपकी आदतें खराब कर रहे हैं मेरी आदत तो नहीं खराब कर रहे पर कुछ जलस लोगों की तबीयत ज़रूर खराब कर रहे हैं और भाई देखो ये प्यार नहीं प्यार होता है जो कि हमें पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग करते हैं आप लोगों को प्यार नहीं आता यार मुझे तो कोई प्यार नहीं आता एक बार मुझे किसी ने प्यार भेजा था आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट और जब वो पहुंचा तो कैश ऑन डिलीवरी प्रैंक हो गया ना आपके साथ <laughs> अच्छा एक बात बताएं हमजा भाई यार ये जो आप ब्रांड्स के साथ कोलेब्रेशन करते हैं ये तो ऑन द रिकॉर्ड होती है सबको पता होता है लेकिन आपकी जो बैक एंड पे डॉक्टर्स के साथ कोलेब्रेशन चल रही है उनके बारे में कुछ बताएं हैं कौन से डॉक्टर्स भाई हेलो यार वो जो हाई ब्लड प्रेशर के हैं डायबिटीज ना खा सके और मजबूरन खाना पड़ता है और फिर जो ना उसके बाद बीमारियां बनती हैं नहीं सब कुछ बता दूं तुम्हें हैं अपने प्लॉट भी तुम्हारे नाम कर दू तुमने कौन सा हिसाब शुरू कर दिया भाई तुम एंकर हो या मुंकर नगीर अरे नहीं सर मैं मैं तो होस्ट हूँ होस्ट हो तो गेस्ट के साथ ऐसे बात करते हैं मेरे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स ऐसे ही डिस्कस करना शुरू कर दिए सॉरी uh, मैं माफ़ी चाहता हूँ चले कोई बात नहीं हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं ओए ये काट देना है एडिटिंग से निकाल देना ओके okay? uh, सर अच्छा हमसे भाई आपका माशाल्लाह फूड इंडस्ट्री में इतना नाम है तो आप आम जनता के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते स्पेशली उन रेस्टोरेंट्स के खिलाफ जो कि कार्ड पेमेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो कार्ड में भला क्या प्रॉब्लम है यार देखिए ना कार्ड से पेमेंट करें तो पाँच परसेंट जीएसटी कटता है कैश पेमेंट करें तो फिफ्टीन परसेंट जीएसटी कटता है और कैश पेमेंट में जो घपले के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए वो कार्ड की पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करते ओ, मैं तो भूल ही गया था यार कि लोग खाने के लिए पे भी करते हैं एक्चुअली यार इतना अर्जा हो गया कि मैंने खाने के लिए पे नहीं किया तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है देखिए देखिए यार माना कि अल्लाह ने सबसे रिस्क का वादा किया हुआ है लेकिन लगता है कि हमजा भाई ने कोई अल्लाह से स्पेशल कोई इसका प्रीमियम पैकेज ले रखा है बस जी अल्लाह को कोई नेगी पसंद आ जाती है तो शेख साहब आप भी ज़रा कुछ देना दिलाना शुरू करें शायद आपका भी कुछ छक्का लग जाए इन शाला ज़रूर अच्छा हमजा भाई एक बात बताएँ कि मेरे मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आप इतना खाते हैं इतना आप ऑयल कंज्यूम करते हैं इतनी चीज़ें कंज्यूम करते हैं मोटे क्यों नहीं होते देखिए शेख साहब मैं अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ और उसी के साथ मैं पीता हूँ यार गुस्सा यूं कर रहे हैं हम गुलाब मार लेते हैं यार रियली oh, really? मतलब ये कैसे कैसे कर सकते हैं डी एम मी फॉर पेड प्रमोशन लेकिन आप डी एम में हम को रिप्लाई कहाँ करते हैं एग्जैक्टली अच्छा हमसा भाई एक बात बताएं कि फूड ब्लॉगर बनने का आइडिया कहाँ से आया आपको मीन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं आपको बड़ा सीरियस होकर इसका जवाब देना चाहूँ प्लीज़ देखें भाई एक दिन मैं बड़ा चिल हो होकर आराम से सोफे पे बैठ के अपने चाचू की शादी की वीडियो देख रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की यार कि ये कैमरा का कैमरा मैन लोगों के मुँह में घुस घुस के उनके खाने की वीडियोज़ बना रहे हैं और यार उसको देख के मुझे ऐसी कोई भूख लगी कि मैंने फ़ौरन कौरमा ऑर्डर कर दिया

तो गलती से मैंने फोन ओपन किया तुम्हारी बिरयानी वाली वीडियो आ And? And मुझे जितनी आपकी हाइट है आपको चाहिए आप बसें लूटें आप ट्रेनें लूटें आप कब्जे करें आप बेचारे रेस्टोरेंट्स वालों को लूट रहे हैं उमर साहब वैसे तो मैं हर चीज का चार्ज करता हूँ पर एक चीज है जो मैं सबको फ्री के खिला देता हूँ वट दैट चपेड़ यार हमारा काम सबसे नॉन वायलेंट काम है तुम उसमें भी गिड़े निकाल रहे हो एक्सक्यूज मी रात के तीन बजे को गलती से आपकी वीडियो देख ले जिसमें आप फूड दिखा रहे हैं स्क्वीजी जूसी लस्टी सेक्सी उसके क्लोजअप और उसके बाद गरीब इंसान की नींद उड़ जाती है तबाह हो जाती है और उसके बाद भूख जो हाईजैक कर लेती है इंसान को मजलूमी और मजबूरी की इंतहा हो जाती है कुछ खाने को होता भी नहीं उस टाइम और आप कह रहे नॉन वायलेंट काम है शेम ऑन यू मैंने तो आपका नंबर भी अपने फोन में गजाई दहशत गर्द के नाम से सेव से किया एक्चुअली अ वेरी गुड नेम मैं बड़े टाइम पेज बनाने का सोच रहा था तो आई थिंक ये यूज किया जा सकता है थैंक्स फॉर दिस बाय द वे आप ए, हमारी ऑडियंस को कुछ सीरियस मैसेज देना चाहेंगे देखें यार मैं कूंगा कि आजकल जो हालात हमारे चल रहे हैं मुल्क के डॉलर देखें कहां पे जा रहा है पेट्रोल कहां पे जा रहा है गुर्बत किस हद तक हो चुकी है इस टाइम ये वो टाइम है जहां पे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए है एंड वी वील्सोर के हम टपाल ग्रीन टी पी रहे हैं रोज अपने खाने के बाद ये सिक्स एलायची फ्लेवर को जरूर ट्राई कीजिएगा यार इस नॉन पीटी इंग्रेडियस की सारी इंडोर्समेंट काट देना वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा ये था आज का पॉडकास्ट एक उम्मीद करते हैं कि आपको डाडू मजो आया होगा तो आज हमारे साथ नॉन पी टी हमजा बटी तो ओ, हेलो ओ हेलो पीटी अप्रूव नालायक आदमी ना तुमने इंट्रो अच्छा कराया ना तुमने आउट्रो अच्छा कराया ना तुमने तुम्हारी ये सर्विसेज हैं क्या हैं तुम्हारा पॉडकास्ट इतना फारिग है कि मैं अपने फॉलोवर्स को कूँगा जाके सबसे पहले तुम्हें कैंसिल करें तुम्हें तुम्हें ब्लॉक करें ठीक है और ऐसा पैडा रिव्यू दूंगा ना तुम्हें कि तुम्हारा पॉडकास्ट बंद हो जाएगा वड्डा आया पॉडकास्टर वो एडिटर ज़रा ये बात सुन ये ये पाना नोटू पकड़ और मेक श्योर कि ये इंडोसमेंट जो है ना इसकी होनी चाहिए समझ आइए इसको मिस करा इस पर फोकस हो समझ समझिए